स्वागत है आपका लवली किचन रेसिपी पे। और मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। ये मैंने बनाया है कढ़ाई पनीर की रेसिपी। आपको सारी इंग्रेडिएंट सारी अच्छे से बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया और किस तरीके से आप भी बिल्कुल हलवाई ढाबे स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने पहले तेल डाला था, वो तेल गर्म हो चुकी है। हमने बारीक कटे हुए अपने प्याज लिए हैं और अपने भारी कटे हुए प्याज को हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से बिल्कुल रेडिश कलर में होने देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसे काटा है, आप देख सकते हैं। और 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से रेड रेड होने देंगे। तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और इसको आपको अच्छे से बिल्कुल रेड रेड फ्राई कर लेना, अच्छे से करना है। और ये जो है ना तरीका मैं आपको जो बता रही हूँ बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। जब तक हमारा एक साइड में प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है, जब तक हम एक दूसरी साइड में, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे काट रखा था, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च लिए थे और 5 मैंने यहाँ पे लिया प्याज। और इसको आप जिस तरीके से मैंने काटा है, बड़े बड़े साइज में मैंने यहाँ पे काटा है, इनकी कलियाँ मैंने अलग अलग कर रखी है। तो इसको हम थोड़ा हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल में इसको हल्का हल्का में फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे एक साइड में फ्राई कर रही हूँ और एक साइड में हमारा जो प्याज है मसाला है वो तैयार हो रहा है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे बिल्कुल अच्छे से। और ये आपको काटने का तरीका बिल्कुल अच्छे से है, बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में इसका कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और अच्छे से होने लगा है। तो मैं हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हमें हल्का हल्का से इसे फ्राई करना है। तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेना है, आपको बिल्कुल उसे मतलब गलाना नहीं है इसको बिल्कुल ज़्यादा, और इसको हम थोड़ी देर गलने के लिए करने देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा हो रहा है और आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से आप करने में। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छे से हमारा देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है। और मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो आपको इसी तरीके से ना आपको निकाल लेना है ताकि इसमें क्रंचीपन रहे, ज़्यादा गल जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अब मैंने ना सारे निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने प्याज की तरफ, देख सकते हैं जो हमारे प्याज है कितने अच्छे से बिल्कुल भून चुका है बिल्कुल, और देखिए गल के बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अपने प्याज करना है। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, तो आपको बारीक कटे हुए अपने टमाटर ना सारे इसमें डाल देने हैं। तो यहाँ से मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने यहाँ पर काट लिया है और उसको अच्छे से हम इसको फ्राई होने देंगे। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए अपने टमाटर बारीक बारीक से, जब तक कि हमारा अच्छे से भुनेगा, अच्छे से हो रहा है। इसको 5 मिनट हमें इसी सिले पर लगाना है। और यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले इन सबको पेस्ट रेडी कर लिया था बनाकर, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं जो है बिल्कुल 5-10 आदमियों के लिए मैंने कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें 10 आदमी आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें इसको अच्छे से मैंने भून रही हूँ उनको, आप देख सकते हैं तेल हल्का हल्का सा ऊपर आने लगा है। तो इसी तरीके से आपको ना लहसुन और अदरक का पेस्ट जब डालेंगे तो इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। पहले हमें मसाला नहीं डालना है, तो ये अच्छे से हमारा फ्राई हो रहा है। तो देखिए ये हमारा हो चुका। और दूसरी साइड में ना मैं क्या करूँगी, जब ये अच्छे से फ्राई होगा तो दूसरी साइड में जो बड़े टमाटर लिए उनका पेस्ट मैं रेडी कर लूँगी। जब देखिए अच्छे से हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमने लाल मिर्च मैंने यहाँ पाउडर डाला है। आप कश्मीरी मिर्च तो यूज़ करिए, जिससे क्या है कि कलर बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा रंग आता है और आपको सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच हल्दी डाला है और 2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है। इसको आपको अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भुनना है अपने मसाले में। और यहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। और इसको अच्छे से आपको मिलाना है, इससे आपके मसाले ना कम आज कम करके रखना है, जिससे क्या है कि आपके मसाले ना जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। तो भुनने के बाद आपको ना इसमें जो अपने टमाटर का पेस्ट आपने रेडी किया है ना, हम वो डालेंगे इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट इसमें हमने डाल दिया है और आप कलर देख सकते हैं। तो हमें पहले मिर्च डालने से ये होता है कि जो सब्ज़ी में जो कलर है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा रंग आता है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए, आपको सब्ज़ी है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बनेगी, आपको बार बार मन करेगा इस तरीके बनाने के लिए। और इसे हम 2 से 3 मिनट लगेगा इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो देख रहे हैं हम कलर इसका टेक्सचर कितना अच्छा और कितना प्यारा दिख रहा है। तो सब्ज़ी जब लग बनेगी ना तब वो और भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो हम ना इसे
5 से 10 मिनट के लिए इसे रहने देंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये लोग बिल्कुल ऊपर ऊपर आ चुका है और ये अच्छे से बिल्कुल गल चुकी है। थोड़ी सी मसाला हो गया हमारा, आप इसमें प्याज टमाटर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, आपको नहीं दिख रहा होगा। इतने देर से और इतना टाइम लगेगा आपको बनाने में, और ये बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे, इस मसाले को अच्छे से हमें भूनना है। आप देखिए कलर इतना अच्छे से आ रहा है। तो हम इसमें अपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, और उसके बाद हमने इसमें डाला है अपने ये शिमला मिर्च जो भुन के थे, और ये मैंने पनीर है ना क्यूब साइड में मैंने काटा, आप देख सकते हैं तिकोनी साइड में ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पे अपने पनीर को कट किया है मैंने। और आपको इसमें डाल के इसको अच्छे से हमें मिलाना है, जितने भी अपने ट्रायंगल शेप में आपने अपने पनीर काटे थे उसको मिलाइए। और मैं इसमें थोड़ा सा मटर भी डाल रही हूँ। तो मैं जो है रेसिपी बिल्कुल मिक्स वाली कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, जिसमें मटर है, शिमला मिर्च, प्याज और पनीर का। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाजवाब बनती है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जब हमने जब हम मैंने ये रेसिपी जब बनाई थी, जब हमें हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने अपने एनिवर्सरी पे हमने सबको इनवाइट किया था, तो मैंने यही सर्व हम किए थे। तो इस तरीके की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये खासकर सबको बहुत ही अच्छी, सबको बहुत अच्छा लगा था ये रेसिपी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे हम 2 से 3 मिनट भूनने देंगे। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी मिर्च। डालने के बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, पनीर मसाला, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिल गए, मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसमें, मिलाइए इसको अच्छे से। और इसको ना 2 से 3 मिनट, 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे बिल्कुल। तो आपको इसमें हम 1-2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी ऐड करना है जिससे ज़्यादा पानी पानी ना हो, तो इतने टेक्सचर में रखना है जिससे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा भी रहे और हमारा जो है सबके लिए हो भी जाए। तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है इसको, और इसे ना अच्छे से 2 मिनट हमें ज़्यादा उसे बॉयल नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हम पानी कम डालेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे, अच्छे से बॉल उबाल आने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लगेगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो यहाँ पे मैंने हरे मटर यूज़ किए थे, वो मैंने पहले से इसको बॉयल करके रखा हुआ था, तो मैंने वही डाले हैं इसमें। आप भी बॉयल किया हुआ डालिएगा, अगर आप बॉयल नहीं किया है आपने तो उसको टाइम लगेगा, तो इसीलिए आप पहले मटर को डाल के उसके बाद फ्राई कीजिएगा। तो मैंने सब कुछ हमारे पहले से मैंने बॉयल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने अभी ऐड किया है इसमें, और इसको अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो 5-10 मिनट हो चुका है मैं पकते हुए, और इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इतना पर मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है हल्का सा सूखा सूखा सा, तो आप इसमें कम पानी डालकर इसको कर लीजिए। हमें थोड़ा रस्से वाली सब्जी बन अच्छी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा रस्से वाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कलर कितना अच्छा है। तो हम सबसे सीक्रेट मसाला मैं तैयार करने जा रही हूँ, जो हमें कढ़ाई पनीर में बहुत ही डालना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 2 काली मिर्च लिए हैं, यहाँ पे बड़ी इलायची, दालचीनी भी लिया है मैंने। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है जीरा मिर्च, तेज़पत्ता और काली मिर्च। हमें इसमें डालकर इसको बिल्कुल कम आँच पे हमें अच्छे से भून लेना है इनको। भून के ना इसको मिक्स कर, मिक्सर में डालकर इसका हमें पेस्ट, पेस्ट नहीं, इसका मसाला हम मिक्सर में डालकर हमें इसका बना लेना है पाउडर, जो कि हम अपने डालेंगे पनीर मसाले में। तो देखिए कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये सीक्रेट मसाला मैंने रेडी किया है, जब हम कढ़ाई पनीर में डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ऊपर से गार्निश के लिए यहाँ पे धनिया बहुत सारे बिल्कुल बारीक कटे हुए मैंने धनिया डाला है, और ये डालने से देखिए अब कलर कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं ना बिल्कुल स्वादिष्ट, बिल्कुल लाजवाब। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, आपको बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप।